मेरठ में सोमवार को रात में आई तेज आंधी के कारण जर्जर तारों से निकली चिंगारी से गंगानगर थाना परिसर में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जनपद के गंगानगर थाने में मुकदमों से दर्ज संबंधित सैकड़ों वाहन खड़े हुए हैं। राधा गार्डन कॉलोनी को जाने वाली विद्युत लाइन के तार थाने के पास गुजर रहे हैं। सोमवार रात आई आंधी के कारण तारों से निकली चिंगारी से वाहनों में आग लग गई। पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी पुलिसकर्मियों ने थाने से बाहर आकर जान बचाई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। थाने में आग की सूचना पर SP देहात केशव कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। CFO संतोष राय का कहना है कि चिंगारी के चलते आग लग गई थी। यदि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती तो पूरा थाना स्वाहा हो जाता। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, किसी तरह से थाने में रखे सामान को जलने से बचाया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सज्जन सागर की रिपोर्ट। ये थाना गंगानगर में माल मुकदमाती जो गाड़ियां यहाँ थी, इनमें जो है आंधी के बाद जो है इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया वायर में, और वायर से तार सर्किट से आग और चिंगारी निकली और इसमें जो फोम पर गिरी, फोम ने धीरे धीरे सारी गाड़ियों को लपेट में ले लिया। जब तक फायर सर्विस को सूचना मिली तब तक सारी गाड़ियां धू धू कर जल रही थी और 5 गाड़ियां फायर सर्विस की पहुंच करके आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर दी।